subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कारगिल एक अनसुना सा नाम जो अचानक सुर्खियों में आया, एक नाम जहां पहाड़ियों की जंग में हरी कैमोफ्लाज लाल हुई। नेशनल हाईवे 1 के पास की इन पहाड़ियों को दुश्मन सेना से वापस जीतने के लिए भारतीय सेना दृढ़ कोशिश में जुटी है। 2 महीने की मुश्किल जंग के बाद अब बची हैं 6 पहाड़ियां। आइए मिलते हैं इन पहाड़ियों को जीतने की मशक्कत में लगे हुए कुछ सैनिकों से। आकाश सरीन, IBN 7, बलकार सिंह। गोलियों से डर नहीं लगता? लगता है, पर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। क्योंकि जब गोली निशाने पर लगती है तो अपने सीने से निकलती है, अपनों के कलेजे को चीर देती है। जंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओए, असली जंग तो राजा महाराजा के जमाने में हुआ करती थी। चदो सिपाहियां तो अग्गे होकर लड़ा कर देसी। तो बलकार सिंह, ये बताइए, ये जंग कब खत्म होगी? जिस दिन अपने नेता, अपने मंत्री जो सानू लड़न दा ऑर्डर देंदे हैं, चदो साढ़े नाल अग्गे होके लड़ेंगे, उस दिन ये जंग खत्म होगी। घर वालों से बात होती है ना?
अपनी अपनी किस्मत। तो चिट्ठी लिखते हैं? लिखते हैं, चिट्ठी जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो रिपोर्टर है या जासूस? लो रख लो, और जे मैंने कुछ हो गया तो पोस्ट ना करना। क्यों? इस चिट्ठी विच मेरे अरमान लिखे हैं जिन्हें मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। खत लिखना एक ट्रेडिशन है, ऐसा मान के चलते हैं। एक्चुअली मैंने भी एक खत लिखा है, यू कैन कीप इट, तुम्हारे रिसर्च में काम आएगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो आर्मी मेरे भाई को फोन करेगी और वो मुझे उड़ा कर ले जाएगा। भाई स्क्वाड्रन लीडर विक्रम शेरगिल, और हाँ अगर कहीं वो दिखे तो उसे कह देना कि मैं वापस आऊंगा टू किक हिज एस। सर, एक्सक्यूज मी सर, सर सर, क्या आप वापस जा रहे हैं? हाँ, यस। कारगिल में आप ये मेरे लिए पोस्ट कर सकते हैं सर? हो या श्योर। किसके लिए? लीव एप्लीकेशन। आई पोस्ट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। इससे पहले कि आकाश सरीन वो चिट्ठी पोस्ट करते, खबर मिली कि साहिल नकवी शहीद हो गया। बची हुई तीन पहाड़ियों के साथ तीन इंसान सिर्फ नाम बनकर रह गए, बलकार सिंह, धनंजय शेरगिल, साहिल नकवी और इन जैसे कई। पर ये कहानी उन तीन फौजियों की नहीं है, ये कहानी है हमारी। सुना क्या कबे? चैनल बदल। शुरू हो गई मामू। तुम्हारे लिए। थैंक यू, नाइस पैंट्स। ओह, आज ही खरीदी? अंदर आओ, कम ऑन, कम ऑन इन। मम्मी पापा तो नहीं है ना? ओहो, ये लेदर पैंट्स तो उबल रही है। कम कम योर बेबी, कैन आई यूज योर टॉयलेट प्लीज? स्टॉप। क्यों? सेफ्टी बेबी। मैं सोचा तुम्हारे पास होगा। क्या मेरे पास क्यों होगा फूल? ओके, टू मिनट्स। व्हाट? व्हाट अ रिलीफ। जल्दी आओ ना स्वीटहार्ट। कमिंग बेबी। भाई की चाबी दो, फटाफट आता हूँ। सामी रिस्की है, पापा आएंगे, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो? एक महीने से वेट कर रहा हूँ, और इंतजार मत करा। मैंने तुम्हारे पापा को कभी नहीं देखा है, उन्होंने मुझे भी नहीं देखा है। अगर देख भी लिया तो कह देना किसी दोस्त ने बोरो की थी। अरे सामी, ये पापा की शॉट्स है। धुले हुए है ना? चाबी तो चाबी। ओए बेबी, आई बी बैक। व्हाट्स अप नवाब साहब, कहाँ हो? अरे सान, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ यार। बताओ क्या हुआ? सान, मैंने वो लेदर पैंट्स पहनी थी। नवाब साहब, पहन तो लिए लेकिन उतारना मत। अगर एक बार उतर गई ना तो चढ़ नहीं सकती। अरे गर्मी में सुखड़ जाती है। सान, मेरे से वो गलती हो गई है। नवाब साहब, आपकी तो लग गई। मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली की गर्मी में लेदर पैंट्स नहीं पहनते। अभी तो सोल्यूशन बताना यार। अच्छा नवाब साहब, वहाँ पे क्रीम चीप है?
कोई है ना, एक काम कर, तू इसे जल्दी से लगा ले, क्रीम मक्खन की तरह होती ना, अब साहब चुप करके पैंट ऊपर। मिल गई सेफ्टी। बेबी, सरप्राइज फॉर यू। ओ शिट। सान यार, अजीब सा पेंस बन गया है और बाल भी हाथ में आ रहे हैं यार। नवाब साहब, आपने तो हेयर रिमूविंग क्रीम लगा लिया। तूने ही तो कहा था यार। नवाब साहब, ये गलत बात है, अब हर बात के लिए मुझे नहीं दोषी ठहरा सकते। ओके, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता, जाओ। ओ सान, ओ सान, सुन सुन, सारे कुत्ते, तू भी मरेगा। रोको 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 रोको। ओए अंकल, मेरी बाइक मिली थी क्या मरने के लिए? तुम्हारी बाइक? एनीवेज बेटा, मैं स्टाफ क्वार्टर तक जा रहा हूँ, मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। चलो बैठो। थैंक यू। चल बैठना। हाँ बेटा, ये आगे से राइट है। तुम किस तरफ जा रहे हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। धीरे धीरे बेटा, बहुत जल्दी में लग रहे हो। अरे अंकल, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लड़की घर पर अकेली है, उसे कंपनी देने जा रहा हूँ। क्यों, आपने अपने जमाने में कभी डिंग डोंग नहीं किया क्या? डिंग डोंग? और बेटा, लड़की के पापा नहीं है क्या? अरे सुबह सुबह वो बेवकूफ किसी को ट्यूशन देने निकल गया, अपनी बेटी को अकेले घर छोड़ के। ओह, ये बेटा दो घर छोड़ के आगे रोक लेना, बस 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 बस। अंकल, हाँ जी, अब यहीं कहीं रहते हो? मेरी छोड़ो बेटा, अपनी बताओ, तुम्हें यहाँ जाना? अरे हाँ अंकल, आपको कैसे पता है? वो इसलिए बेटा, क्योंकि ये जो बाइक तुम चला रहे हो ना, ये मेरी है। और बाई चांस जो कच्चा तुमने पहन रखा है ना, ये भी मेरा है। और कमाल की बात ये है कि जिस घर में तुमने जाना है ना, वो घर भी मेरा है। पापा ट्यूशन पढ़ा के आ गए हैं बेटे। बेबी, सान साले, तू तो बहुत पिटेगा। मेरी हालत देखिए, क्या करवाया तूने मुझसे? अरे सब आपकी वजह से हुआ है नवाब साहब। मेरी वजह से? और तुझे पता है, आज शिवानी के घर पे पार्टी है, वो अभी मौका गया। पार्टी? क्या बात कर रहे हैं, पार्टी? नवाब साहब, I have an idea. Hey girls, the strippers are here. Hey girls, let's have some fun, yaar. Aur man baama aisa ko ban jaga re. Re dil ki pudatiya ko par laga re. Isn't it cute? Where I got that from? Pure. Pure badmaashi lagne. ऐसा कूपन जागा रे, अरे दिल की पुतकिया को पर लागा रे। मनवामा ऐसा कूपन जागा रे, अरे दिल की पुतकिया को पर लागा रे। पूरे बदमाश लौंडे, बदमाश लौंडे। करैले की सख्त करैले, बनैले बनैले तू अपना।
जानती हो ये स्ट्रिपर्स नहीं है। Who cares? I think इन्हें जाना चाहिए। ए नाब साहब कहाँ जा रहे हो? अरे लौंडे को सॉरी वॉरी बोल दो। सॉरी लेडीज को। सॉरी। इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग आप सभी की ग्रेजुएशन अनाउंस करता है। कहते हैं नया खून नई उम्मीदें लाता है। आप सिनेमा की नई लहर बनेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनके कम मार्क्स आए हैं सिर्फ उन्हें अपनी डिग्री हासिल करने के लिए एक ग्रेजुएट फिल्म सबमिट करनी होगी। फॉर अदर्स आई कंग्रेचुलेट यू एज यू स्टैंड ग्रेजुएट। Mr. Sameer Suri and Mr. Ali Shah, I'd like to see you in my office. Sir, हम लोग first आए हैं। हाँ, पीछे से। जानते हो पूरे बैच में सिर्फ तुम्हारे ही ग्रेड्स कम हैं। सिर्फ हम लोग? हाँ, एक भी क्लास नहीं अटेंड की है तुम दोनों ने, और प्रैक्टिकल्स में भी फेल हो गए हो तुम। नहीं सर, दो प्रैक्टिकल अटेंड किए थे सर, उसमें तो चीटिंग की थी हमने। और सर, कॉलेज हम रोज आते। अच्छा, इनसे मिलो। ये कौन है? हैं? अंकल? ये तो पिया के डैडी है। हेलो अंकल, हाउ आर यू? अंकल नहीं बेटा, तुम्हारा प्रोफेसर। ये कब हुआ? पिछली टर्म से। पिया ने कहा तो वो टूशी मूशी देता है। सर, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उनका प्रोफेसर कौन है, उनके बारे में आप खुद फैसला कर लीजिए कि क्लास में कितना आते होंगे। करेक्ट अंकल। हाँ करेक्ट। तुम्हें ग्रेजुएशन फिल्म सबमिट करनी होगी, वरना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, जिसके बिना तुम यूएस के वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट सर, बस अमेरिका जाना है तो फिल्म लाओ। तुम दोनों इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम ग्रेजुएट्स भी नहीं बने। लेकिन ये बात हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते ना। और सोचो, इंदौर के शाही खानदान का इकलौता वारिस फेल। और तेरा बाप तुझे शाबाशी देगा। तुम दोनों हमेशा एक साथ ही क्यों फंसते हो? बचपन में साथ जीने मरने की कस्में जो खाई है। अली, फिल्म का टॉपिक सोचा? इतना क्या सोचा नवाब साहब, हम लोग एक ब्लू फिल्म बना रहे हैं। एक रात जंगल में। और बताए हमारी जंगल क्वीन कौन होगी? पिया। शट अप। सोचा था पोस्ट ग्रेजुएशन के बहाने 2 साल यूएस में जाकर ऐश मारेगी, पर अब तो साला फिल्म बनानी पड़ेगी, वरना वेकेशन कैंसिल। हमने कोर्स ज्वाइन किया था ये सोच के कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन आपसे ये तो मुश्किल पड़ गई यार। यार सन, फिल्म का टॉपिक क्या होगा? रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स। ओहो, इजी नाब साहब, इजी। आदि की तो स्पेलिंग भी नहीं आती, वो क्या था? हाँ, सोशियो।
तुम लोग भारतीय सेना ज्वाइन करने पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? भारतीय सेना, इंडियन डिफेंस, मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट, ये तू सजेस्ट कर सकता है? और तू ऐसा कर क्यों रहा है? आजकल कौन ज्वाइन करता है डिफेंस फोर्सेस? मैं करूंगा। ज्वाइन करेगा तो मरेगा। वन डे जॉब ढूंढ रहा है क्या? अरे सीधे सर पे गोली लगती है। धुम। कोई फायदा नहीं, न्यूज चैनल पर सबटाइटल्स में लिखा आता है फायरिंग में एक जवान मारा गया। एब्सोल्युटली, अच्छे पैसे भी नहीं मिलते, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए। अमित बिल्कुल सही कह रहा है, जान का खतरा भी रहता है और मरमरा गया तो राइट, और फिर परिवार का दुख वो अलग से। नवाब साहब, मुझे टॉपिक मिल गया, हमारी फिल्म का टॉपिक, कि क्यों भारतीय सेना नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। सही है सान, why not to join the defense forces? Good one. अरे तुम दोनों हमेशा उल्टा क्यों सोचते हो? प्रिया, पिछले एक मिनट में जो तुमने सुना ना वो सही है। हम लोगों ने तीन रीजन दिए पर करण एक भी रीजन नहीं दे पाया। शायद मेरे पास रीजन है ही नहीं, लेकिन एक जज्बा है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और चुप है, तू जज्बा ढूंढ, मैं और नवाब साहब फिल्म बना के आते हैं। अरे यू नो यू टू कुड मीट माय कजिन, ही इज अ वॉर जर्नलिस्ट, मे बी ही कुड बी ऑफ सम हेल्प। ओए ओए, लो बन गई फिल्म नवाब साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग समीर अली जी। हाय आकाश सरीन। समीर सुरियास कजिन अली। सिट डाउन, सिट डाउन। सो टेल मी, क्या कर सकता मैं आप दोनों के लिए? आकाश, आपकी तरह हमने भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन पूरी कर ली है सर, पूरी कर ली है सर। पिया ने बताया जी, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए हमने फैसला किया है कि भारतीय सेना क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए पर एक फिल्म बनाएंगे। भारतीय सेना क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? जी। आई सी, इंटरेस्टिंग। और सर, हम चाहते हैं कि आप अपने वॉर एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें इन अ स्मॉल इंटरव्यू सर। हमारी फिल्म बन जाएगी सर, लिख। वेल यू नो, इस इंटरव्यू से बेहतर आइडिया है मेरे पास। तुम दोनों एडवेंचर पसंद करते हो? कभी भी सर। गुड, कम विथ मी। एक्सक्यूज मी, इन तीन चिट्ठियों को इनके पते तक पहुंचा दो, अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड कर लो, तुम दोनों को अपनी फिल्म मिल जाएगी। सर, क्या खास बात इन चिट्ठियों में? ये आखिरी खत, लास्ट लेटर्स। लास्ट लेटर्स? भारतीय सेना की एक परंपरा है, ट्रेडिशन। हर फौजी जंग में उतरने से पहले एक खत लिखता है जिसे वो अपनी जेब में रख देता है। अगर वो शहीद हो जाए तो फौज उस चिट्ठी को पोस्ट कर देती। उस चिट्ठी में छुपे होते हैं उस फौजी के कुछ आखिरी पल के जज्बात। तुम दोनों जानना चाहते हो कि सेना क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। इन परिवारों से मिलो, जान जाओगे। बस आपके पास ये चिट्ठियां कैसे आई? 3 साल पुराना रिसर्च मटेरियल, अब तुम्हारे काम आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू। बाय। गाइज, तुम दोनों पहली बार खुद कुछ कर रहे हो, याद रखना कभी कभी एक छोटा सा कदम जिंदगी भर की एक राह बन जाता है। आई होप दिस इज इट फॉर यू गाइज। हां, डे 1, क्रैक ऑफ डॉन, हम निकल पड़े हैं अपने सवाल का जवाब ढूंढने, भारतीय सेना ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। Thank you.
कर चुनी हमने खास है अपने पास है लाइसेंस टू वॉक एंड रूल होते आ बेबे नु नाम नाल बुलांदा है शर्म नहीं आंदी तेनु बेबे चुप कर ए चश्मे किद्दे पाए ने एना दे बेबे ए तेनु लब रहे सी नमस्ते नमस्ते जी सत श्री अकाल हम स्टूडेंट्स हैं दिल्ली से यहां एक फिल्म बनाने के लिए आए एक चिट्ठी आपके लिए लाए क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते फौज भी तो भेज सकती थी ना हमारे जानकारों को कुछ चिट्ठियां रिकॉर्ड्स में अब मिली तो हम ले आए आपसे कुछ और भी बात करना चाहते हैं बाद में मिल सकते हैं हाँ जी तुसी ठहरे कित्थे हो यही कोई होटल वोटल देख लेंगे एक पासे इन्ना वड्डा एहसान कित्ता दूजे पासे शुक्रिया भी कबूल नहीं करते जैसे इन्हां नूं कहो साडे पंजाब दे मेहमान होटलां च नहीं ठहरते कर चलो कम कम ये मेरा पांचवा है ज्ञानी जी कहते हैं पुत्र खाते वक्त गिना नहीं करते ओ पुत्रो एक एक लोटा लस्सी दा पी लो सब हजम हो जाऊगा ले जवाना तू भी छक जा ओ पुत्रो जदों मैं तुहाडी उम्र विच सी ना ता एहो जे 10-10 पराठे मैं एवें छक जाया करदा सी क्यों लजो छड्डो जी तुसी ओए किवें छड दियां अपना पंजाब होए ओए अपना पंजाब होए मक्की दी रोटी उते सरसों दा साग होए खेतां विच बैठा जट लगदा नवाब होए ओए अपना पंजाब होए ओए अपना पंजाब जी
बाऊजी, बाऊजी, एक पैर कबर विच है, दूजा मैदान विच पा रहे हो। अरे उम्र का ख्याल तो रखो। राजू, मैं एक शहीद का प्यो हाँ, उम्र ते बीमारी को नहीं हारांगा। जैसे चल पुत्र सो जा। बेबे अभी एक पाऊगी तुझे नहीं मंगूंगा, चल यार सो जा पुत्रा। अगर आप बुरा ना माने, हम कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। पुत्र जी, मैं सोच रहा सी कि इस साल गावां दी बाड़ी बन जांदी ते चंगा होंदा। कोशिश तो कर रही बेचारी। बाऊ जी, ट्रैक्टर दी किश्त देते ही मैं बाड़ी के पैसे जमा करांगी। अगले साल जैसे वड्डे स्कूल जा रहा है, पेंशन दी जेड़ी रकम आंदी है वो मैं उसी लिए जोड़ रही हूं। कोई गल नहीं पुत्र, तू जो भी कर दिए चंगा ही कर दिए। इस घर दा बेटा तू ही तो है। ये ज्ञानी जी पेट की बैंड बजा देगा यार। बैंड तो ऑलरेडी बज रहा है यार। अच्छा सुन, यहाँ कोई टॉयलेट शॉयलेट होगा ना यार? बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमें सुबह सुबह खेतों में जाना पड़ेगा। चीयर। चीयर। आप दोनों सोए नहीं? किसी चीज नु जरूरत हो तो? जी नहीं, हम ठीक हैं। जी, आप दोनों से एक दरखास्त थी। घर विच असी इन्ने पढ़े लिखे नहीं है और मैं नहीं चाहती जसी से पढ़े। अगर आप इसे पढ़ दें तो? जी क्यों नहीं। मेरी कुजीत है, मैं चंगा हूं और थोड़े सबके वास्ते यही उम्मीद करता हूं। मौसम चंगा हो रहा है, सभी नु चमकती गर्म धूप का इंतजार है। ऐसे रात का विच ठंड बहुत बच जाती है, पर डालियों पे लगाई आग के सहारे रात काट लेते हैं। पोस्त शांत है, कभी कभार दी गोलीबारी चौकन्ना रखती है। कुजीत इस वेले में घर आने पर तेनू ते जस्सी नू अपने नाल घुमाने ले जावांगा। तेनू खबर नहीं, कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग नदी किनारे दी पहाड़ी पर हुई। उत्थे मैंने अपने साथियों दे नाल मछली पकड़ना सीखा। नंगे हत्ता नाल मछली पकड़ने दा मजा ही अलग है। अपनी पैंट नू ऊपर तक मोड़ना और बर्फ जैसे ठंडे पानी विच घुटनों तक उतर जाना, कुछ ही पलों में सब सुन हो जाता। फिर अपने हाथों को धीरे से ठंडे बहते पानी विच पा देना, कुछ और महसूस नहीं होता। बस तैरती हुई मछली की सराहट के नाल हाथ खुद ही हिल देने और झपट के उसे पकड़ लेने देने। ये तरकीब मैं जस्सी ने जरूर सिखाऊंगा। तुहानू सभी ने जल्द देखना चाहता हाँ, जिसी की खिलकारी कानों से गूंजती रहती है। बाबू जी ने दसना उन्होंने ऑपरेशन मेरे आंदे नाल ही करा देंगे। वो तो पिछले साल ही हो गया सी। जी, और कुछ नहीं लिखा? जी कुलजीते, मैं तेनु बहुत प्यार करता हूं, तेरी याद बहुत सताती है। इसी वास्ते मैं इस चिट्ठी तो पहला तेरे को पहुंचना चाहता हाँ, ते मैं पहुंचाऊंगा तेरे वास्ते। सब का ख्याल रखती है, अपना भी रख। तेरा बलकार सिंह, आर सिंह।
जल्दी उठो ना, आप सब उठो जल्दी जल्दी उठो ना, गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ? जल्दी उठो। गांव वाले? अरे ये तो पूरा गांव मिलने आया है। खान, मैं तो सिर्फ कैमरामैन हूं, डायरेक्टर साहब तो ये है। ओहो डायरेक्टर साहब, ओए पढ़ लो डायरेक्टर साहब नु। ए पुत्तर टीवी वाले तुसी हो? आओ जी आओ, और बैठो बैठो, आओ आओ इतना ए बैठो, आओ बे बे बेजा बेजा मेरे मेरे डायरेक्टर साहब। कैमरा इधर ले आओ जी, फोटो खींचो। ओ जी लाइव है जी लाइव। ओ इधर से, इधर से। पुत्तर साडे पिंड विच पानी दी बहुत दिक्कत है। ओ पागो जल्दी ना टीवी ऑन कर, देख मैं टीवी च आ रहा। ओए सब लोग देख रहे हैं, सब लाइव है। सत श्री अकाल जी, कनाडा में सब बढ़िया है ना? ओ बंतिया, ओ तुमने मेरा सिटी प्लेयर नहीं भेजा? ओए कबूतर दारू नहीं पहनते मैं छोटू वास्ते वीडियो गेम भी पाजी मैंने शूट करूं ना। वे भाई तू अपनी सरकार नु कह के इना दी दारू बंद कराओ जी। ए सुन लो बापू जी, ए ता खुशी विच भी दारू पींदे ते काम विच भी। आंटी जी, हम सिर्फ बलकार सिंह के बारे में पूछने आए। पागो मैं बात की गल करना, बलकार सिंह बारे मेरे को पूछो जी। यारा दा यार सी ओ जी, कल ने छक्के छुड़ा दिए थे दुश्मन के। पिंड दी शान है बलकार सिंह। साडे बेटे बलकार जिन्ना बहादुर ते सत्ता पिंडा विच कोई नहीं पुत्तर। चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। करे आवां, बलकार दे बारे बहुत गल्लां ने करन वालियां। आओ भाई। जैसी ट्रैक्टर फंस गया पुत्र। अभी कर देता हूँ बेबे। जैसी हम भी चले ट्रैक्टर निकलवाने। हाँ हाँ, नंगे को पंगे लेने की बहुत आदत है। अच्छा चलो। अबे सांड क्या जरूरत थी पंगे लेने की? अरे ना आप सब अगर और सब लगाए ना पोटी पे जाएगी। यार ये नहीं होता। और सर ला। हाँ हाँ। सांड चाची, ऐसे सुबह में होते हैं ना? और चुप है, ऐसे वो सांड है सांड। ओह और सर ला ना। अभी देख। Very good, son. S for Superman. No, S for son. Come on, come on, come on. Thank you.
जैसी, पहले नहीं बता सकते था कि ट्रैक्टर का काटा चम्मच ऊपर करना पड़ेगा। देख रहा था क्या कि सैंडविच कितना दम है। वो पतंग लेकर आता हूं। अरे नवाब साहब रुको, वो पाकिस्तान है। बॉर्डर ऐसा भी होता है? ये पाकिस्तान है यार। सांड जल्दी आ। क्या बात कर रहा है? अनबिलीवेबल यार, इट लुक्स द सेम। ओ जस्सी ये देख, यहाँ के खेत और तेरे खेत दोनों सेम टू सेम है। सेम नहीं है ब्राजी, ये जो तार देख रहे हो ना बीच में, ज्ञानी जी कहते हैं ये हमें बहुत अलग कर देती है। जैसी हमारी फोटो लेगा? ले आओ जी कैमरा। ओए जैसी आ तेरी भी खींच लेते। नहीं जी मैं चंगा हूँ। ओए जैसी तू गया कभी? पापा जी गए थे और कभी वापस नहीं है। पर सानू बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि पापा जी अपना काम कर रहे थे और वो अपना, ऐसा ज्ञानी जी कहते हैं। आओ जी वंस मोर। अरे जल्दी बादल भागेगा, अब तेरी पतंग बना के तुझे उड़ाऊंगा तुझे। सस्रीकाल गुरजन सिंह जी। सस्रीकाल बीजी। सस्रीकाल। सस्रीकाल ठेकेदार साहब। और सब खैरियत? बस जी रब दी मेरे, तुसी सुनाओ की हाल चाल है? बस जी वधिया। सस्रीकाल ठेकेदार जी। सस्रीकाल कुलजीत। ट्रैक्टर की तो किस्तें नहीं पहुंची, जितना संभाल सकता था मैंने संभाला, भाई मुझे भी आगे जवाब देना है। ठेकेदार साहब थोड़ा सा। ठेकेदार जी तुम्हें जवाब नहीं देना पाऊंगा। जी बेहतर है, अच्छा ही चलता हूँ। पत्तर मैं सोच रहा सी कि गावा ना एक मानसून बगैर बाड़ी दे होर कट लैन गया, तू बाड़ी दी चिंता ना कर। सुनो जी मेरे कोल एक चांदी की बेड़ी है, इस उम्र में मेरे किसी काम की नहीं। मैं सोच रही थी कि उसे बेच कर। तुहानू मेरे उत्ते भरोसा है ना? पुत्तर जेडे पैसे मैंने जस्सी वास्ते जोड़े थे, ट्रैक्टर दी किश्त उसी से जाओगी ना, गाय बारिश विच भिगूगी
ना ही चांदी दी बेड़ी बिकोगी। आने वाले कल के लिए उम्मीदें करने से बढ़िया है असी आज नु बेहतर बनाए। पुत्र तेरे हुंदिया मैनू कदी भी अपने बलकार दी कमी महसूस नहीं हुई। रब तेरे सर ते हमेशा मेहर वाले हाथ रखे। मित्र प्यारे नुहार मुरीदा तो कहना सूल सुराई पत्थर प्याला पटके पापा जी पहली बार यही मिले थे। पापा जी रोज बेबे नु यहाँ देखने आते थे और एक रोज बोल दिया सोचो। ओ, मैं जवान तो मैं भी हूँ और दो दो तरीकों से परिपोना बेबे बाबूजी। ओए जिंदा रे पुत्र जिंदा रे। कुलजीत किथे? माफ करना पुत्र जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानता तो पिंड का हर आदमी था, अब तरन तारण में पहचाने लगे हैं। छड्डो जी, तोड़ी बेटी कुलजीत दे नाल ब्याह करने आया हूँ। तुसी वो कौन जो कार विच इस तरह घुसा है? अनजाना नहीं हूं, तू तो पहचानती मुझे। मैं गुरुद्वारे तेनू देखण नहीं आंदी। ओए गुरुद्वारे से पुरानी कहानी है हमारी। ओ तेरी दवा। चुप हो काके, बैठ जा मचते। अपने दिल विच देख सोनिए, मैनू ही पावेगी। बाऊजी मुंडा पागल हो गया है। वैसे भी मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। ओ तेरी तुझा मुंडा? बोल दे उसे व्याह तो मेरे नाल ही होगा। चुप हो, निकल इधर। ओए कुलजीत रुक। कुछ दिन तरन तारण क्या चले गया था, अपने पिंड के लोग मुझे भूल गए। कुलजीत पहचान है नू? देख, वो देख, कहा था ना तुझसे वर्दी पहनते ही तेरे घर आऊंगा बात करने। बात पक्की बाबूजी? बोल, लगता हो ना चंगा? तेरा मेरा प्यार रंगे लगनू गवारा है। फैसले रब ने सुनो जमी पे उतारा
पावे जन्नत तेरे वास्ते 1,00,000 जवानियां, पर ये जवानी देश के लिए मंजूर है? मंजूर है तो खा ले, मैनू भी खिला दे। संता बनता चाहिए हम जो भी तेरा होगा हसी दावेदार हाँ सजना जीता वे तेरे साडे दिल ते कार होड़ जाके निकली हसरता तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता की होया विया होते ही रंग दिखा दिए। तुसी ना जाओ, वो जाना पाएगा कुलजीत। बच्चे दा नाम की रखा गया? जस्सी। बेटी हो तो जसमीत, बेटा हो तो जसविंदर। प्यार से दोनों को जस्सी बुलावांगे। हूं तो दिखा दे तेरे दांत, वो दिखा। ऐसे ही एक दिन बलकार सिंह चले तो गए, लेकिन वापस सिर्फ उनकी याद आई। आज है सफर का दूसरा दिन। सवाल का जवाब, सच है भारतीय सेना ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। सच है कि एक फौजी जंग में शहीद हो जाता है और छोड़ जाता है अपनी पत्नी को मुश्किलों के सहारे अकेला। सब कुछ ना कुछ बलिदान करना चाहते पर सिर्फ पल भर के लिए, क्योंकि दिक्कतें खत्म नहीं होंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर। बलकार सिंह सिर्फ एक फौजी नहीं था, वो एक बेटा था, एक पति था, एक बाप था। कट। सच तो है नवाब साहब, ऐसी जिंदगी के लिए आर्मी कौन ज्वाइन करेगा? जस्सी क्या कर रहा है? सांड प्राजी हाथ लगवाओ। रुक। हाँ।
कान प्रजी उठाओ। ये क्या कर रहा है? पापा जी की वर्दी अधूरी थी, पूरी कर रहा। मैं भी पापा जी की तरह फौज में जाऊंगा। ओए, तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? माँ सबका ख्याल रखती है, अपना भी रख लेगी। मैं देश का ख्याल रखूंगा, ऐसा पापा जी कहते थे और मैं मानता हूँ। जस्सी, चल पुत्र सो जा, आप लोग भी आराम कर लीजिए, कल सुबह जल्दी निकलना है ना। जिस रास्ते तुसे चल रहे हो ना, वो ही रास्ता ले रहा है थोड़ा पुत्ता। फौज जाना चाहता है, थोड़ी बहुत याद आती है, पर कोई गल नहीं, बड़ी बोटी बन के रह च मैनू बहुत गर्व है। थोड़े वास्ते 1,00,000 जवानियां, स्नैक्स रस्ते वास्ते। जी नहीं नहीं। अरे ज्ञानी जी कहते कभी खाने को मना नहीं करते। ओ शाबाश पुत्रा, शाबाश। जी थैंक यू जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जसीनो भाई कहना। जी चंगा, सत श्री अकाल। नहीं गया? और मैनू पता है कद स्कूल जाना और कद नहीं। ये आप दोनों के लिए। थैंक यू। सांत प्राजी, तुम्हारे वास्ते। और ये तुम्हारे वास्ते। क्या लगियो? ओए जस्सी क्या कर रहा है? सीढ़ी का पहला कदम पार हो गया, अब हम पंजाब से निकलकर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। ओए सांड, चल करारे करते हैं यार, वरना गला खराब हो जाएगा। चल। ओए छोटू तो तंदूरी और बियर फटाक से। छोटू रुक, इधर आ। ये पेट अपने कच्चे से पोंछ के आया क्या?
नहीं जी। झूठ बोलता है जरा। Stop it, son. Don't be disgusting. अरे seriously, यार smell. Yes. Smell पता है यार। अरे same same यार। छोड़ ना यार। एक काम कर, दूसरी प्लेट लेके आ। अरे जा। जी ठीक है। अरे it was same यार। It's okay man. Son यार और क्या मिलेगा तुझे? अब ठीक है? ये काम पहले नहीं कर सकता था? चल चटनी डाल। नवाब साहब इट्स डिवाइन यार। शुरू करो शुरू करो। तेरी बिना घूरे मैं खा सकता हूँ? जी अगर और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिए साहब। अरे हाँ सुन, जो बाकी का खाना लेके आ रहा है ना, ऐसे ही प्लेट साफ करके लेके आना। जी ठीक है। झटाओ मिलने क्या सौफ खाइए। ये ले मिले। ठीक है पैसे निकाल। तेरे को पता है जब बटवा नहर में गीला हो गया था कितनी मुश्किल से मैंने सुखाया है। ओए, तूने पैसे नहीं सुखाए? वो मैंने भारी। ओ छोटू दिन तंदूरी से पहले है। ओए हाँ जी हाँ जी। वेलकम टू हिमाचल। इसकी भैंस। जाने दे सोच मत। पागा वाली है नवा नोकिया लेता है। गेम शेम भी अगी है। माना है हम तेरे पर हम नहीं अकेले। ये देख कर जो चल रहे यहाँ करते हैं बस लड़ाई। तकदीर से लड़ाई उन जैसे लाखों चल रहे यहाँ। अब ना आज है खुश मिजाज है कल पे राज है। ए व्हाट यू से अभी कहूँगा। मेरा फोन कहाँ है? पिया हमारा एक काम कर दोगी? नवाब साहब हरे हरे नोट। ये ले। डे फोर। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। झूठ बोले कौवा काटे। इट्स अ ब्यूटीफुल डे और सांग। सीढ़ी का दूसरा कदम। अगली चिट्ठी एक एयरफोर्स ऑफिसर के नाम। ये चिट्ठी विक्रम साहब के लिए। आप लोग बैठिए मैं देकर आता हूँ। जी क्या पर्सनालिटी है बंदे की यार। स्क्वाड्रन लीडर विक्रम शेरगिल। समीर अली। नाइस टू मीट यू सर। प्लेजर इज ऑल माइन। लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। नहीं सर। नारायण इनका सामान अंदर रखो। नारायण एक ठंडी बियर और लाना। याद रखना ये ठंडी बियर हमेशा मिलेगी। बियर क्या दारू हमेशा मिलेगी। हाँ तो तुम कुछ मूवी के बारे में बात कर रहे थे। जी सर हम लोग 3 चिट्ठियां डिलीवर करने निकले और इसी एक्सपीरियंस को शूट भी कर रहे हैं। दैट्स गुड एडवेंचर। एडवेंचर इज गुड एट योर एज। मैं फ्लाइंग एकेडमी में था मुझे अभी भी याद है वो दिन। सॉरीज पर टचडाउन करना और सीनियर ऑफिसर्स की बेटियों को इंप्रेस करना। मस्ट बी हॉट द चिक्स। यू बेट। और डीजे मिलिट्री एकेडमी में था पास होती उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। नारायण चिट्ठी लाना। Come on, bottoms up. Come on. ये लो।
सो क्या हम इसे शूट कर सकते हैं? ठीक है, ड्यूड, तबीयत पानी की हाल चाल? जानता हूं स्टूपिड सवाल है, तुम्हारा हाल कौन बिगाड़ेगा? है स्टूपिड, मुझे कोई छू सकता है? तुम्हें कोई छू सकता है? सी सिवाय मेरे? रेजिमेंट हाई अलर्ट पर है, द वॉर इज ऑन, वॉर ड्यूड वॉर। कोई नहीं चाहता कि जंग हो, पर तुम जानते हो एक फौजी के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो देश के लिए कुछ करते खाए। जानता हूं यहां बहुत ठंड पड़ रही है, आर्मी ने हमें नए जूते दिए हैं लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं, और तुम एयरफोर्स वाले, हमारे पास जेट्स है ना, तो हमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स की क्या जरूरत? यही लिखा होगा, हाँ सी, तुम्हारे पास जेट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की क्या जरूरत? अब ये आर्मी और एयरफोर्स की बराबरी करेगा। सुनो, अब तो मान जाओ आर्मी वालों में एयरफोर्स वालों से ज्यादा दम है, हम दुश्मन का सीधा सामना करते हैं और तुम लोग ऊपर से आतिशबाजियां करके निकल जाते हो, कौन ज्यादा ताकतवर है, वो या मैं? आप सर, आप। तुम्हें क्या लगता है मेरी टी शर्ट पहनकर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे? कौन ज्यादा ताकतवर है? आप सर। अब हमें फैसला कर लेना चाहिए, लेट्स डिसाइड, पंजा लड़ाकर। मान जा तुम जीत नहीं पाओगे, कौन जीतेगा, वो या मैं? आप सर। सो आप सर। कौन जीतेगा, वो या मैं? आप सर। आप सर। ऑफ कोर्स। बोलो, लड़ाते हो पंजा? अरे कम ऑन। याद आती है तुम्हारी, कभी कभी आती है, पर आती है। इस बार यहां तो चिट्ठी पहुंचेगी या मैं पहुंचूंगा तो पंजा से रो लड़ाएंगे, पर अगर नहीं पहुंचा तो तुम जीते। डीजे कैप्टन धनंजय शेरगिल, 18 कनेडियंस, मेरा छोटा भाई। कुछ दिन रुक कर जाना, अच्छा लगेगा। लगता है स्क्वाड्रन लीडर अपनी फौज तैयार कर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। कम ऑन, जॉइन इन। नहीं नहीं सर, हम ठीक है, फिट है। नारायण, कॉफी। जी सर। गुड ट्रेनिंग सर। लेकिन सर ये सब क्यों? आई वॉन्ट टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड टफ लाइक मी। सर क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाउ पर्सनल? सर ये सब कैसे हुआ? ये कोई पर्सनल सवाल हुआ? एरियल कॉम्बैट, फ्लाइट आपस में गोली मारी, बैंग 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 बैंग, आई शॉट डाउन टू प्लेन्स, एक गोली आकर मेरी इंजन में लगी, मैं एक इंजन से प्लेन उड़ा रहा था, पता नहीं चला साला कब बंद हो गया, सामने मुझे सिर्फ दुश्मन दिखाई दे रहा था, क्रैश्ड। आंख खुली तो एयरफोर्स हॉस्पिटल में था,
डॉक्टर्स ने कहा वी हैव अ स्पेशल व्हीकल फॉर यू. आई हैव नो रिग्रेट्स. मेरी पूरी फैमिली ने देश सेवा की है, पर दादा से लेकर टीचर तक. लेकिन सर आपको दुश्मन से नफरत नहीं है? नफरत बहुत बड़ा शब्द है. हमें सिखाया जाता है देश की सेवा, रक्षा और सुरक्षा करना. यही हमारा काम है. दुश्मन अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं. पर सानू बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि पापा जी अपना काम कर रहे थे और वो अपना. सोचो एक दिन तुम दोनों सुबह उठकर कॉलेज के लिए निकलते हो, इशारा करते हुए एक दूसरे की तरफ पढ़ते हो, बैंग एक बस उड़ा देती है तुम्हें. क्या फायदा? जान गई पर मिला क्या? दिस इज बेटर. सर आपको लगता है सिपाही बनना जीवन का एक तरीका है, और अगर जंग में जान गई तो वो बेहतर? नहीं, देश के लिए कुछ कर गए तो बेहतर है. उठाओ इस मिट्टी को, उठाओ. महसूस करो इसे. हम सब इसी मिट्टी से बने हैं. यह हमारी मां है, हमारी पहचान है. एक फौजी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं अगर वो इस मिट्टी से प्यार करता है. और इस मिट्टी से प्यार करने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जंग में शहीद हो जाना, बल्कि अपनी देश की तरक्की के लिए कुछ भी कर जाना. और मौका सबको मिलता है. मैं यहां पर कोई जंग नहीं लड़ रहा, ना ही इन बच्चों को जंग के लिए तैयार कर रहा हूं. मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं अब कर सकता हूं इस मिट्टी के लिए. देश सेवा के लिए कंधे पर मेडल्स की जरूरत नहीं होती. करेक्ट. कैसी रही मेरी एक्टिंग? हाँ, अरे बहुत हो गया भाषण भाषण. आओ मेरी जिंदगी जीकर देखो, फिर खुद ही फैसला कर लेना कि तुम्हारा बचपना अच्छा है या मेरा पागलपन. I'm 11 double and beer for the boys. Sir, actually मैं भी रम पीऊंगा. अच्छा, बच्चा बड़ा हो गया. Make it 3 doubles. Get me some nicknames. जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? Okay. Hi honey. जो भी गंदे ख्याल आ रहे हैं उन्हें भूल जाओ. She's my girlfriend. So how have you been? Very good. Sammy. Sammy. Hi. Ali. Hi. Hi. I missed you, honey. So where are you guys from? जी हम दोनों इंदौर से हैं. Basically we are film students. यहाँ हमारी graduation film बनाने हैं. Ah, अच्छा. I'm Sandy. Vikram Shirke. Can I have an answer, the lady? Sure. Saloni. लगता है आज रात मौका मिलेगा. It's gonna be my lucky night. ऐसा क्या देख रहे हैं? घुटने के ऊपर सब चलता है. Dance with me. You see, मुझे सब आता है. Rock and roll, भंगड़ा, शंगड़ा, मैम्बो, शैम्बो, सब कुछ.
जितने भी फिरंगियों को जानता है ना, सबको बुला ले। और हाँ, सबको कहना कि एक साथ आए। एक एक करके आओगे ना तो पिट जाओगे। स्क्वाड्रन लीडर विक्रम शेरगिल सर, आपसे कन्फेशन करना था। इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ मत बोलना। हट, हम सब आप भी ना यार। कन्फेशन करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सर, आप जो कर सकते हैं ना वो मैं नहीं कर सकता।
Damn these legs. Can't face action. अगर ये होते तो मैं वहां होता। समीर, जो तुम कर सकते हो ना वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा बचपन अच्छा है या मेरा पागलपन? सर, हाउ वाज डीजे एज अ पर्सन? ही वाज स्ट्रॉन्गर देन मी। शेरगिल, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बिना मुकाबले के फैसला कर लिया। अपने जंगल में तो शेर राजा होता ही है। लेफ्टिनेंट धनंजय शेरगिल। कैप्टन, कैप्टन धनंजय शेरगिल। सॉरी कैप्टन, तो हो जाए। भैया फिर से हार जाओगे। दहाड़ने से लोमड़ी शेर नहीं हो जाती। ये आर्मी वालों का हाथ है भैया, और ये एयरफोर्स वालों का। Congratulations on your promotion. Thank you, bhaiya. Are you flying with us? You mean, you're flying us down? Whichever way, does it make any difference? मखना, ओए मखना, ओए मखना, मैं तेनू जरा आहा।
है सोना देश मेरा। मेरा भारत, मेरा भारत वर्ल्ड की शान है। मेरा भारत, ओ मेरा भारत, मेरा भारत देश महान है। भारत, मेरा भारत, मेरा भारत वर्ल्ड की शान है। मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत देश महान है। Excuse me, sir. Yes, officer. क्या मैं जंग में उतरने से पहले अपने भाई के गले लग सकता हूं? देखा भैया, आज फिर आर्मी एफओ से पहले एक्शन फेस करेगी। अब बताइए, सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? जंग में तो दोनों ही उतरते हैं, लेकिन आर्मी को जंग के मैदान में छोड़ना और फिर उन्हें वापस लाना ज्यादा बहादुरी का काम है। Because sometimes you have to bring them dead. आप सही कह रहे हैं भैया, बात हमारी आर्मी या एयरफोर्स की नहीं, बात हमारे देश की है, हमारे भारत की। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे वापस लाएं, डेड और लाइफ। That's your job, sir. एक बार तो हाथ सीधा कर लो। शर्गिल, क्या तुम अगला बैच भी फ्लाई करोगे? That's my job, sir. मुझे बहुत दुख है तुम्हारे भाई के लिए। I'm sorry. Don't be. I'm not. मुझे मेरे भाई का दुख नहीं, गर्व है मुझे मेरे भाई पर आज भी, और इसी गर्व के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकता हूं। गर्व से बढ़कर कुछ भी नहीं। कमबख्त शहादत की लड़ाई में मुझसे आगे निकल गया। अब तुम ही बताओ, कौन ज्यादा ताकतवर है, वो या मैं? आप सर, आप? ऑफ कोर्स मैं, मी सर। भाई की याद तो आती होगी। तुम लोग कल जा रहे हो? जी। याद रखना, ठंडी बियर यहां हमेशा मिलेगी। नवाब साहब, क्या बंदा ये स्क्वाड्रन लीडर विक्रम शेरगिल। भाई मर गया, अपने पांव खो दिए, अकेले रहता है और कहता है खुश है। हाँ, खुश है गर्व के सहारे। कैसा गर्व यार, क्या गर्व जान से बढ़कर है? एक छोटा सा शब्द दर्द के एहसास को मिटा सकता है क्या? हुँ।
Day 6, सीढ़ी का दूसरा कदम भी पार हो गया। विक्रम शेरगिल की खुद की सजाई हुई दुनिया देखी। स्क्वाड्रन लीडर को दर्द है लेकिन मानने से इनकार। सवाल वही, जवाब वही। सच है, भारतीय सेना नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। अरे भारतीय सेना नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। कोई है? अरे कोई आएगा? आ गए। आ गए सांड। क्या हुआ? गड्डी खराब हो गई जी। पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल? जी। कोई बात नहीं, एक काम करो, पीछे वाली गाड़ी में लाद दो। चलो चल चल चल। थैंक यू तो बोल दो। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? एयरबेस तक। जी हमें कारगिल हेडक्वार्टर्स तक जाना है। अरे सर इसकी बात छोड़ो यार, ये बताओ आप पीछे क्या ले जा रहे हो? गन्स, एम्यूनेशन, रॉकेट लॉन्चर्स, बुफोर्स, विस्फोटक? हाँ जवान है साहब जी। जवान है? गुड मॉर्निंग। झटका खा गए ना साहब जी? कोई बात नहीं, हमारे यहां जवान मरते नहीं है। या तो विजयी लौटते हैं या अमर। भगवा सफेद हरा, जीवन चक्र मेरा, कर्म सत्य धरती मां, इन्हीं में मैं पला। भारतीय मैं जना, भारतीय ही जना, भारतीय मैं जीऊं, सदा भारतीय रहूं। भगवान समेत हरा, जीवन चक्र मेरा। रिस्पेक्टेड सर, मैं इस चिट्ठी के माध्यम से आपसे छुट्टी की दरखास्त करना चाहता हूं। सर मेरी रेजिमेंट पिछले एक महीने से बेस पर इंतजार कर रही है। अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो मैं घर पे एक जरूरी काम पूरा कर सकूंगा। सर बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ मैं ये दरखास्त कर रहा हूँ कि आप मेरी छुट्टी को मंजूरी दे देंगे। मैं अपना लीव एप्लीकेशन फॉर्म यूनियन में दे चुका हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी अर्जी है जिसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। थैंकिंग यू लेफ्टिनेंट साहिल नकवी, 12 जैक लाइट इन्फेंट्री। ये लेफ्टिनेंट साहिल नकवी कौन है? 6 अप्रैल 1999, ये तो 3 साल पुराना है, तब मैं कर्नल ऑफ रेजिमेंट नहीं था। मुझे लेफ्टिनेंट साहिल नकवी की फाइल ला कर दो, 12 जैक लाइट। जी सर। सर आपको नहीं लगता शायद उसके लिए छुट्टी जरूरी थी? देश से जरूरी कुछ नहीं, और एक फौजी के लिए जंग से बड़ा कोई और कारण नहीं। जंग एक कारण है? पार्डन मी सर, लेकिन अगर उसको वो छुट्टी दे दी गई होती तो वो आज शायद जिंदा होता। तो फिर कोई और शहीद होता? हर एक दरखास्त को अगर मंजूरी दे दी जाए तो जंग कौन लड़ेगा, आम आदमी? ये पोस्ट क्यों नहीं किया गया? ये उसके घर भेज दो। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या चिट्ठी हम डिलीवर कर सकते हैं? फौज के तरीकों में कोई छूट नहीं होती है। शहीदों के लिए भी नहीं? नवाब साहब आपको क्या पड़ी यार, इनका काम है, इनको करने दो। अरे यार हम फिल्म बनाने आए हैं, आखिरी शॉट है, खत्म करके घर चलते हैं यार। नहीं सैमी, मैं एक अधूरा सपना पूरा करने जा रहा हूँ और ये हमारी फिल्म से बढ़कर है। जी मिसेस नकवी जी कहिए। मैम
हम ये ऑनवलप आप तक पहुंचाने आए। ओह, ये तो साहिल ने लिखा है। How wonderful, Mrs. Naqvi. One moment, Mrs. Dorji. Please come, beta. Join us. क्या लोगे बेटा? चाय, कॉफी? कॉफी। टुंडू, यहाँ दो कॉफी देना, मैं आती हूँ। सान, इनमें से डॉक्टर नकवी कौन हो सकते हैं? ये ट्राय कीजिए मिसेस दोजी। अली चल। क्या? दीदिया कार्ड, कर लिया अपना सपना पूरा? एक कोने में पड़ा हुआ है। चल। क्या हुआ बेटा? आप जा रहे हो? अभी तो मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा, ये कार्ड आपको कैसे मिला? उसके लिए आपके पास फुर्सत ही कहाँ है? हम ये सोच के आए थे कि ये कार्ड आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन आपको फुर्सत ही कहाँ है? चाय, कॉफी और मिसेस डॉर्जी से। सैमी, मिसेस नकवी, आप जानती है कि आपके बेटे का आखिरी खत आपको नहीं, उनके इंचार्ज ऑफिसर को था, लीव के लिए। मैम, वो एक जरूरी काम का बहाना बनाकर वो घर लौटना चाहता था, जंग से अपना मुंह मोड़ना चाहता था, तो फिर आर्मी में भेजने की क्या जरूरत थी? गलती आपकी है, यू शुड हैव स्टॉप्ड हिम। ये सच नहीं है। मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाय मॉम, हाय डैड, wish you both a very happy anniversary. आपके लिए पटाखे तो नहीं फोड़ सकता, पर ये सुनिए, वॉ डैड वॉ। लंबे इंतजार के बाद रेजिमेंट को मौका मिल गया। ट्रेंच में बैठा अपनी काउंटर अटैक टीम का इंतजार कर रहा हूँ। मम डैड, आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आकर सरप्राइज देना चाहता हूँ, पर सॉरी, मैं आ नहीं पाऊंगा। दो दिन की लीव मांगी थी पर नहीं मिली। वैसे ये आर्मी वाले भी गलत नहीं है, हर अर्जी को मंजूरी मिल गई तो जंग क्या आम आदमी लड़ेगा? सुनेंगे तब मैं ऊपर आसमान से आपको देखूंगा। मेरे लिए आंसू मत बहाइएगा, और अगर मैंने दोबारा जन्म लिया तो फिर आर्मी ज्वाइन करके इस देश की रक्षा करूंगा। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मम, टाइगर 23 रिपोर्टिंग दिस कमांड, 0.5127 पर भारतीय सेना ने जीत हासिल की है, लेफ्टिनेंट साहिल नकवी शहीद हो गए।
साहिल के जाने के एक साल बाद सिंह एक टेप मेरे पास लाए। अपने साथी की जान बचाते हुए जो अपनी जान गंवा दे, क्या वो डरपोक हो सकता है? मैंने तो सच को अपना लिया है, लेकिन उसके पापा ने नहीं। वो अपने ही बेटे पर गुस्सा है। 3 साल हो गए, मैं अभी भी कोशिश कर रही हूं अपने रूटीन को वापस लाना चाहती हूं। शायद इसलिए ये टी पार्टी, मिसेस दोर्ज। मेरा बेटा डरता नहीं था, बहादुर था वो, और मुझे उस पर गर्व है। दिल भी वरी बदला सा क्यों, है ये जहां आज क्यों नजर है चुरा रही अपने आप से। कुछ दिन पहले मेरी पोस्टिंग नदी किनारे दी पहाड़ी पर हुई। उत्थे मैंने अपने साथियों के नाल मछली पकड़ना सीखा। नंगे हत्ता नाल मछली पकड़ने का मजा ही अलग हैगा। अपनी पैंट नू ऊपर तक मोड़ना, और बर्फ जैसे ठंडे पानी विच घुटनों तक उतर जाना। कुछ ही पलों में सब सुन हो जाता। फिर अपने हाथों को धीरे से ठंडे बहते पानी में छुपा देना। कुछ और महसूस नहीं होता, बस तैरती हुई मछली दी सराहट के नाल हाथ खुद ही हिल देने और झपट के उसे पकड़ लेने। फिल्म पूरी हो चुकी है, पर कहीं अधूरी लगती है। कहीं कोई कड़ी अभी बाकी है। एक एहसास नवाब साहब, मैं गलत था यार। साहब, गर्व एक छोटा सा शब्द नहीं, एक जीने का कारण है जो इन परिवारों को बांध के रखता है।
सब कुछ खो जाने के बाद इन्हें चलाता है. That's what they live for. गर्व से बड़ा कुछ नहीं. Pride above all else. You're right, Sammy. हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एक फौजी पूरे देश के बारे में सोचता है. हम यहाँ एक कोने में बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ बॉर्डर पर तैनात सैनिक क्या महसूस करता होगा. वो ठंड में बैठा रहता है ताकि हम शांति से सो सकें. एक सैनिक हम 10 से बेहतर है. सैमी, सैनिकों का बलिदान बहुत ही बड़ा होता है और उनके परिवारों का और भी. अपनों के बिना जीना आसान नहीं है सैमी. सोच सैमी, कल अगर मैं ना रहूं और तू अकेला रह जाए. सच है नवाब, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मुझे गर्व हो. कभी नहीं. तो इंतजार किस बात का है? Let's do it. अपने ही बेटे से नफरत करते थे डॉक्टर नकवी, और यही नफरत मिटाने हम उनके घर वापस आए. कहते हैं ना, नफरत मिटाने के लिए याद दिलाना जरूरी होता है. बेटा मैं पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ. गुड आइडिया डैड. फिर क्यों तुम मेरी जान लेना चाहते हो? कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर. ब्लडी शिट, तू भी इसके साथ मिला हुआ है. भाई बाप बेटे ने मिलकर इस बार फिर कर दिखाया. इज द बेस्ट. अच्छा ये बताओ कि इस बार पोस्टिंग कहाँ पर हुई है? द्रास में सर. काफी सेंसिटिव एरिया है. सुना है. की छुट्टी बोली थी तुमने पिछले साल भी. टेलीग्राम आया और डैड आपको भी तो इमरजेंसी कॉल आते हैं.
yours unreasonable. Sometimes I wonder, एक ऐसा परिवार जहां सभी डॉक्टर्स हैं, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या है उस यूनिफॉर्म में जो इस व्हाइट कोट में नहीं है? शायद दोनों एक से हैं, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म्स जान बचाने के लिए बनी है। आप पेशेंट्स की रक्षा करते हैं और मैं इस देश की। साहिल, तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन यू हैव टू कम बैक फॉर मी। फॉर मी यू हैव टू कम बैक। डैड, आई प्रॉमिस डैड, मैं वापस आऊंगा। झूठ कहा था तुमने। I hate you. और ये हमारी कश्मीर की छुट्टी थी, उसके बाद इंसर्जेंसी और फिर क्या? साहिल की पसंदीदा धुन है ये। हमेशा मुझे उसके साथ डांस करने की जिद करता था। और उसके पापा वहां कोने से देखते रहते। Come on, let's dance. नहीं बेटा। Come on. नहीं बेटा। Come on. अपने आपको समझते क्या हो? तुम साहिल नहीं हो, निकलो यहां से। I said get out. आपकी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? कभी सोचा ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं लगते वो हमारे। अगर वो हमारे कुछ नहीं लगते तो आया क्यों है यहां? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? आपको बदलने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपकी जिंदगी में रंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे रंग जो आप देख नहीं रहे हो। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगा। आपकी जिंदगी कितना आसान है कह देना। कभी सोचा है इस घर में एक औरत रहती है जो आपकी बीवी है? कभी सोचा है पिछले 3 महीने में शायद पहली बार आपने मेरी आवाज सुनी? कभी सोचा है अपने बेटे के बारे में उसे कितना दुख पहुंचता होगा? नहीं सोचा और सोचना चाहता भी नहीं हूं, वो मर चुका है। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट अपने ही बेटे के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो आपको अकेला छोड़ गया? ये क्यों नहीं देखते कि उसने एक और बाप को अपने बेटे से जुदा होने के दुख से बचाया? मतलब ही। और आप
नवाब साहब, साहिल की टीम हार नहीं सकती यार। नहीं हारेंगे, ये लास्ट चांस है। सांड, यू गो स्ट्रेट। सांगे, आप राइट अटैक कीजिए। नामग्याल, यू कॉल मी, आई एम गोना थ्रो द बॉल। एंड गर्ल्स, लिसन, पास मी द बॉल। I'm sorry. I miss you a lot. I miss you a lot.
तू गलत नहीं था साहिल। आज मैंने मैदान में वही किया जो तूने जंग के मैदान में किया था। तूने कहा था ना फिर से जन्म लेकर तू आर्मी ऑफिसर बनेगा ताकि इस देश की रक्षा कर सके। एक ऐसा नौर करना साहिल बाप मुझे ही चुनना। पिया ने सही कहा था, कभी कभी एक छोटा सा कदम जीवन भर की राह बन जाता है। हमें हमारी राह मिल गई तो आम इंसान भारतीय बन गए। हम अमेरिका नहीं गए, दो बार आर्मी एग्जाम्स भी ट्राई किए लेकिन फेल हो गए। इंदौर जाकर फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते थे लेकिन नहीं, हम खुद कुछ करना चाहते थे अपने देश के लिए, तो एक स्कूल खोल दिया। कुछ सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना एहसास बांटने के लिए, जिसमें हमें पूरा विश्वास था। गर्व से बड़ा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सांड, अच्छा लगता है यार जब स्टूडेंट्स हमें कहते हैं सर हमें कुछ कर दिखाना है। मिस्टर अली। यस ऑफिसर। शायद आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। आप पहचाना सांड बाजी? नवाब साहब। ओए जस्सी, ये लीजिए इनविटेशन टू द आईएमए परेड। आईएमए? लेफ्टिनेंट जसविंदर सिंह। माँ कैसी है? माँ अच्छी है, अपना ख्याल रखती है, और मैं देश का ख्याल रखता हूं। सांडपा जी, वैसे की वैसे धरे पड़े हो आप लोग। शादी वादी हुई ऐसे ही कुंवारे पड़े हो।